मेरे साथ इस समय आरसपुरा से माँ बाप हैं और इनका 14 साल का बच्चा आज सुबह 6:30 बजे से मिसिंग है। इनका बच्चा ना ही बोल सकता है ना ही सुन सकता है, लेकिन माँ बाप की ख्वाहिश ये है कि वो पढ़ लिख कर कुछ ऐसा कर जाए कि कमाल हो जाए, लेकिन बच्चा ही नहीं मिल रहा। सुबह से हॉस्टल वालों से जब कंफर्मेशन की तो उन्हें मालूम ये हुआ कि सुबह से बच्चा गाड़ी ना ही गाड़ी में चढ़ा है ना ही उसके बारे में कोई बातचीत कोई मालूमात अभी तक मिली है। मैं आपसे जानूंगा कि जब आप हॉस्टल गए या वहां के जो वार्डन है उनसे बात करने की कोशिश की आपने कि बच्चा स्कूल नहीं गया है या क्लासरूम में नहीं, ऐसी कोई बात हुई? नहीं, की हुई थी। आपकी भी सुबह 6 बोले सुबह उठा था, उसने मुंह हाथ धोया पानी शानी पिया तो वो अपनी क्लास में गया था। तो मेरा टीचर बोल रही थी, मैंने उनको बोला कि नहाओ स्कूल जाना है, तो बोलते कोई मैं ना दूसरे कमरे में गई तो वो पीछे से बच्चे आए कि वो चला गया कहीं, एक और बच्चा उसके साथ है, वो दोनों कहीं चले गए हैं। कहते हम सुबह के ढूंढ रहे हैं, वो मिल नहीं रहा, हम उसी वक्त गए बोलते। तो वो अगर उसी वक्त गए भी है तो फिर वो मिलना चाहिए, तो वो इतनी दूर तो जा नहीं सकते थे सुबह सुबह, पैदल तो जा नहीं सकते, पैदल इतनी दूर नहीं ना जा सकते। कहते हमने उसी वक्त देखा उनको, ढूंढा बाहर जाके तो वो नहीं मिले, वो इतनी जल्दी थोड़ा कहीं जा सकते थे। मैम आपसे एक चीज जानूंगा, ना वो बोल सकता है ना वो सुन सकता है, तो हॉस्टल के अंदर किस तरीके से कोऑर्डिनेट करते थे वो? अपने तरीके से करते हैं, उनको लैंग्वेज आती है ना वो वाली, तो वो इशारों में समझाते थे सब कुछ बच्चों को। और जो वार्डन वहाँ पर थी उसको भी इशारों वाली लैंग्वेज समझ आती है? आज तक कभी ऐसा नहीं हुआ, आज पहली बार ऐसा हुआ? आज पहली बार ऐसा हुआ है। तो आप स्कूल गए या स्कूल में पता करने की आपने कोशिश की? स्कूल में गए थे, वो मैं टीचर को बोला था, वो स्कूल में नहीं गया, स्कूल में देख के आए हम। स्कूल में है ही नहीं? नहीं है स्कूल। तो अब जो वहाँ का स्कूल में वो गाड़ी में जाते थे पैदल, गाड़ी में, हाँ, गाड़ी में बस उनको ऐसे पता नहीं लगता था, पैदल नहीं जाते। सेम टाइमिंग रहती थी 8:30 बजे हॉस्टल से निकलना और 9 बजे स्कूल लगता था। कितने किलोमीटर ये स्कूल हॉस्टल से दूर है? लगभग हॉस्टल सीधी चौक में स्कूल है, हॉस्टल उदू वाले में है, यानी कि लगभग आधा घंटा लग जाता होगा। हाँ, इतना लगता, आधा घंटा लग जाता है। तो अभी तक इनके बच्चे की मालूमात नहीं हुई है ना ही मिले हैं। आपने पुलिस कंप्लेंट अभी तक की या अभी आपने जाना है आपने? अभी पुलिस कंप्लेंट भी करेंगे हम इस पर, पूरा इनका कॉन्टेक्ट नंबर, इस बच्चे की फोटोग्राफ वो बिल्कुल अटैच करेंगे। कहीं पर भी किसी भी मोड़ पर किसी दुकान पर अगर वो भटक गया है, अगर आपको मिलता है तो आप इस दिए हुए नंबर पर कॉन्टेक्ट करना। ये फोटो ध्यान से देखिएगा, अगर आपकी वजह से किसी का खोया हुआ बच्चा मिल जाएगा तो आप यकीन माने इनके दिलों से निकली हुई दुआ जो है वो आपको लग जाएगी। फिलहाल ये दोनों परेशान हैं और अभी इन्होंने पुलिस कंप्लेंट करनी है, अभी पुलिस के पास जाएंगे। आपको कुछ और कहना है लोगों से कि अगर आपका बच्चा मिलता है, कुछ और कहेंगे आप? नहीं, मिल जाए तो बहुत बहुत धन्यवाद उनका, जो हमें दे देंगे वापस। चलिए, उम्मीद पर दुनिया कायम है। तो मैं आप लोगों से भी गुजारिश करूंगा कि इस फोटो को ध्यान से देखिएगा, जो फोटो हम अपनी स्क्रीन पर चढ़ाने वाले हैं, ताकि अगर आपको बच्चा मिला तो इस पर कॉन्टेक्ट जो है वो आपका दिया गया। कैमरामैन ऋषि के साथ आकिब आफ्ताब जम्मू से। जस्ट फॉर यू ब्यूटी पार्लर लेकर आया है आप लोगों के लिए एक स्पेशल डिस्काउंट ऑन करवा चौथ और दिवाली, इसलिए आप आज ही जाइए मलिक मार्केट बिहाइंड ट्रेंड शोरूम ऑपोजिट ग्लोबल कॉन्वेंट स्कूल जम्मू, और आप किसी भी दिन जा सकते हैं। इसकी टाइमिंग रहेगी 10:15 बजे से लेकर 7 बजे तक। तो अगर आप लोग करवा चौथ पर बेहद ही ज्यादा खूबसूरत दिखना चाहते हैं तो आज ही जाएं जस्ट फॉर यू ब्यूटी पार्लर में और लुफ्त उठाएं स्पेशल डिस्काउंट्स का।